तुम्हारा सपना जितना बड़ा होगा तुम्हारा संघर्ष भी उतना ही बड़ा होगा। और संघर्ष को खुशी से, संघर्ष को खुशी से खेलने का नाम योग्यता है। गब्बर सिंह और कोई बात कहा हो या ना कहा, उसने कई सारी अच्छी अच्छी बातें कही, एक बात उसने बड़ी अच्छी कही, जो डर गया समझो मर गया। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। अब आपके जीवन में चुनौतियां आ रही हैं, आप गौर से देखो, 50% लोग जो यहां खड़े हैं मिडिल क्लास के होंगे। अगर बहने हैं घर में तो उनका विवाह करना है, आपको नौकरी लेनी है। अब आप गौर करो, एक बहुत भयंकर चीज आपके जीवन में आनी शुरू हो चुकी है, चुनौती। जिसने ना कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर काम किया। जीवन में विघ्न जब आते हैं, सोते से हमें जगाते हैं। कैसे? मन को मरोड़ते हैं पल पल। आप देखो कितने परेशान रहते होंगे, अनरेस्ट में रहते होंगे, मन नहीं लगता होगा, गुस्सा आता होगा, चिड़चिड़ापन पैदा हो रहा होगा, ये सब चीजें शुरू हो चुकी होंगी। अगर आप अपने जीवन को इंट्रोस्पेक्ट अभी करो, ये वही दौर है आपका, सब इससे गुजरते हैं। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। आपको कोई डांट दे उतना बुरा नहीं लगता, आपको कोई भगा दे बुरा नहीं लगता, जब लोग हंसते हैं ना तब बहुत दर्द होता है। लेकिन मेरे पिताजी ने मुझसे कहा कि आईएएस प्रधानमंत्री बनने वाले आदमी, अरे मैंने कहा यार क्यों चढ़ा रहे हो फालतू में। भगवान के आशीर्वाद से आज भी हमारे साथ हैं, और मैं अगर उनसे कोई भी बात कहता हूं तो तुम्हारे लिए तो कल ही कर लोगे। मैंने कहा सोच रहा है हवाई जहाज खरीद लो, अरे कहा भैया जी लेने दो। लेकिन उन्हीं की वजह से मतलब आज जहां भी मैं हूं उसमें सबसे ज्यादा योगदान मेरे पिताजी का है। मां हमेशा खतरनाक लगती है लेकिन असली में वही होती है, और जितने लोग तुम्हारे प्रति रूढ़ होते हैं वो तुम्हें बनाना चाहते हैं, इट्स अ लॉ। माँ बाप बुरे बहुत लगते हैं लेकिन तुम एक एज में ऐसे आओगे जब तुम्हें याद आएगा कि यार माँ बाप भी सही कहते थे। इस जिंदगी में जितने लोग तुम्हारे प्रति रूढ़ है ना वो सब तुम्हें बनाना चाहते हैं, और जितने तुम्हें अपीज करते हैं हर मोमेंट पे वो तुम्हें यूज करना चाहते हैं। किसी से मत बताना कि मैं आईएएस की तैयारी कर, बता नहीं मैं। कोचिंग कहाँ जाते हो? वो एक लड़की आती है इसलिए। जिंदगी में कभी तुम ये मत दिखाना कि तुम अपने, तुम बहुत सीरियस हो, सब तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे ना, रिश्तेदार रिलेटिव नेबर सब लोगों को। एक दिन ऐसे ही सुबह उठे और पता चले 10th रैंक आईएएस में, नाम चेक किया तुम्हारे पापा का, नाम चेक किया, गाँव देखा, भागे तुम्हारे घर की तरफ और तुम कह दिए कि हम तो सिरिडिक टेम्पल में जाते थे, तो फ्री में जो है वो सब क्वेश्चन मार्क दिखाई पड़ गया हमको सपने में। युद्ध की सबसे बड़ी बात यह है कि तुम डिस्क्लोज मत करो कि तुम क्या कर रहे हो, तभी जीतोगे। अगर युद्ध में तुम नजर में रहोगे सबकी तो मार दिए जाओगे। हिंदुस्तान के राजा क्यों मारे जाते, ये हाथी बैठ के लड़ते थे। इनका मेन वजह यही था। पहला बैटल ऑफ पानीपत क्या है, इब्राहिम लोधी हाथी बैठा हुआ है, जब सब बजाज सुपर पे बैठे हैं, स्प्लेंडर पे बैठे, तू भी बैठ।